प्यास लगी मोहन तेरी ये सूरत राजपूत कैसेट के माध्यम से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण की बाल लीलाएं आप लोगों के समक्ष जो लेकर के हम चल रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने जेल खाने में अवतार लेने के बाद इन्होंने वृंदावन में जाकर के मां यशोदा के आंगन में सभी ग्वाल गोप और सभी गोपियों के साथ में किस तरह से अपनी बाल लीला दर्शाई, इसी के साथ ही साथ आख्यान जो लेकर के चल रहे हैं भगवान कन्हैया और उनकी भक्तिन राधा, राधा का कृष्ण से कितना बड़ा हित था, राधा कन्हैया को कितना चाहती थी। दोस्तों प्रमाण एक छोटा सा मिला, राधा जो थी वो भगवान श्याम सुंदर से उम्र में 11.5 महीना बड़ी थी। राधा कन्हैया से 11 महीना 15 दिन बड़ी थी, लेकिन श्याम और राधा इनकी सबसे पहली मुलाकात कहां, कब और कैसे हुई? दोस्तों जिस तरीका से इधर नंद बाबा मां यशोदा उन्हें आनंद मिल रहा है, उसी तरीका से कीर्ति और वृषभान जो बरसाने के बसने वाले थे उन्हीं की कन्या का नाम था राधा। एक दिन की बात है,
कि राधा भगवान श्याम सुंदर को ढूंढती हुई आगे बढ़ी और सब ग्वालों से पूछती हुई जा रही है कि कहीं श्याम को देखा है। एक लड़का कहने लगा, सुबह तो हमें मिले थे और उस समय से पता नहीं कहां चले गए, हम अपने घर चले गए थे। राधा कन्हैया को ढूंढती भाई आगे निकल गई। अब वो लड़का जाए के जब भगवान कन्हैया से मिलो है तो राधा के बारे में समझाए के बोलो, लला तुम ही घूम रहे हो, क्यों क्या हुआ? तो वो ग्वाला बोला, श्याम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम ललायब। ढूंढ लो, कौन ढूंढ रहा है? तो राधा की पहचान बताए के वो लड़का भगवान श्याम से बोलो, गोरी गोरी उम्र की थोरी, गोरी गोरी उम्र की थोरी, उम्र की थोरी, गोरी 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 उम्र की थोरी, गोरी गोरी। नाम तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढ लो रे घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा राधा ढूंढ रहे, फिर है कहां? तब लड़का बोलो, लला वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की ओर चली गई, ओर चली गई वृंदावन की, वृंदावन की ओर चली गई, वृंदावन की और परसानो बको काम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई ढूंढत है घन श्याम, तुम्हें कोई। राधा नाम की लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। सो राधा को नाम सुनबे के बाद में भगवान कन्हैया बोले, ठीक है राधा को ढूंढबे के लिए श्याम सुंदर आगे बढ़े और श्याम को ढूंढबे के लिए राधा आगे चली। बंसी बट पे जाए के जब जे मिले हैं, कछु शाम को समय हो आओ रहे, तो राधा ने जाए के कन्हैया से पूछी है कि तुम यहीं रहते हो क्या? श्याम सुंदर कहने लगे, तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया, मेरा नाम राधा है। राधा, मैं तो बंसी भट पर ही हर समय आते रहते हैं और गाय चराने के लिए भी यहीं आता हूं। एक बात कहें राधा, शाम होने के लिए जा रही है, मेरे सब सखा जो थे वो सब घर के लिए चले गए, क्या तुम हमारे घर तक हमें छोड़ने के लिए चल सकती हो? राधा बोलिया, जकून सी बड़ी बात है, चलो हम तुम्हारे घर लो, तुम्हें छोड़वे के लिए जरूर चले। सो राधा को संग में लेके भगवान कन्हैया जब चले यशोदा मैया के पास के ले, यशोदा मैया ने जब दूर से आत भव लाला को देखो तो कन्हैया को गोदी में उठाए के पूछन लगी, लला जब बिटिया के न की है? तो कन्हैया बोले, मैया इनको राधा नाम है, जब तो हम ना जान तुझे किन की लड़की। और मैया यशोदा तुम इनसे कछ कहे के तो देखो, इतनी मीठी मीठी बातें करती हैं, जलगते न के मुंह में मिठाई को शरबत घोर रखो। सोई राधा को गोदी में ले लो, लली तुम्हारी मैया को नाव कहा है, पिता को नाव कहा है? तो राधा बोली, ब्रसुभान पिता जो परसाने में रहते हैं,
मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। को नाम कीरती है, मैया को नाम कीरती है और हमें राधिका कहते हैं। जवाब दो है राधा ने कि मैया यशोदा, मेरे पिता का नाम वृषभान है और मैया को नाम कीर्ति। तो दोस्तों कीर्ति को नाम सुनबे के बाद में और यशोदा मैया ने कछु अपशब्द कह डाले कीर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि कीर्ति जो थी ये कन्नौज के राजा भलंदन की पुत्री थी और यशोदा भी प्रमाण ये मिलता है कि डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद की रहने वाली थी जो गोकुल में ब्याही गई थी। सोचने लगी अरे बहन कीर्ति इतनी बेटी सुंदर पैदा कर ली और हमें कोई सूचना भी नहीं दी। अब राधा को गोदी में बैठा रखे यशोदा की बुद्धि में एक दूसरी बात गूंज गई और मन ही मन में सोचने लगी कितनी सुंदर है राधा, परमात्मा अगर कभी हमारी लला को ब्याह हो तो इतनी सुंदर बहु घर में आती तो बड़ो आनंद आतो जो आंगन में। तो अने कन्हैया डेंगे ही बैठे रहे, सो उनकी बात सब समझ गए और श्याम सुंदर यशोदा से बोले मैया एक बात कहें। हाँ। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन गोदी सी, यशोदा मैया ने गुलचा गालन पे लगाई दे। देखो ब्याह लाए कोई गो, अबे कैसे मोह दोए फिर ब्याह के तोले। यशोदा ने जवाब दो बिटिया राधा संजा होने के जाते और लली एक काम करो अब तुम घर जाओ और ऐसो करियो जो कहो दूसरे को घर ना आए जो तुम आओ ही घर है और फिर कब घूम जाइयो। राधा जब मन सोचियो जो कहो दूसरे को घर तुम आओ ही घर है जाओ। कन्हैया तुम एक काम करो, कहा राधा अकेली है इनके संग में कोई सहेली ना है और राधा को कछु दूर तक छोड़े आओ और छोड़ के बहुत जल्दी घर वापस आओ और जवाब दो बिटिया राधा। बेटी तुम अपने घर जाओ और मेरी कीर्ति से भेंट कहियो, मेरे लला के संगैया अकेली ही बिटिया घर में आती रहियो। अरे आइयो लली ऐसो मत ही करियो कि तुम भूल जाओ। हाँ चलिए आप करिए। मेरे लला के संग आया अकेली ही राधा ही अलियाती रहियो, मेरे लला के संग आया अकेली तुम लली ही अलियाती रहियो।
है लली राधा जिकाऊ दूसरे को घर ना आए है बिटिया जो तुम्हारो ही घर है। फिर कब आऊ रास्ता तो जानी ही गई कन्हैया न मिलो करे तो तुम अकेली चलनी आओ करियो। जे बचन कहबे के बाद में यशोदा मैया ने राधा और कन्हैया इन दोनों को विदा करो। कन्हैया से कही के थोड़ी दूर तक राधा को छोड़े आओ और जल्दी घर चले आओ। सो कन्हैया राधा के संग जब चले भैया तो राधा की बात नहीं बात न में थोड़ी दूर छोड़े वो तो भूल गए और राधा के संग और बरसाने में पहुंची गए। जब बरसाने में पहुंच गए तो कीर्ति पूछन लगी राधा जी लला के न को है बताए जे यशोदा मैया के कन्हैया हैं और इतनी प्यारी प्यारी इतनी मीठी मीठी बातें करते चल गए के मुंह में चीनी को शरबत घरो धरो है ना कन्हैया। कीर्ति ने अरे आदर से गोभी में बैठाया लाला संजा होएबे के लिए जा रही है और ऐसो करो यशोदा मैया के घर में कोई और बालक ना है ने तासे तुम चले जाओ और सवेरे फिर आई जाइयो। सोई कन्हैया के पेट में घूसा सो लगवाए हम जानते थे हमारी अम्मा ना रुकन दो तो जे तो हमें रुकी जान दी इनने उना रुकन दो कोई बात ना है। एक बात बताओ राधा हम अपने घर से और तुम्हारे घर लो जब तुम्हें छोड़बे के लिए चले आए तो कहा तुम हमें अपने द्वार लो ना छोड़न चले। राधा बोली हाँ द्वार लो कौन सी बड़ी चलो हम तुम्हें छोड़ के आते। सो आगे राधा चली और पीछे श्याम चले। अब जैसे ही द्वार पे पहुंचे सोई राधा ठाड़ी हो गई और ठाड़े हो के कान लगी लला ऐसो करियो तुम बड़े नट कटो कहूं बातन में न लगी जाइयो न कहूं खेल में लगी जाइयो सीधे घरे जाइयो। सो कन्हैया कान लगे राधा हम तुम्हारे घर लो तुम्हें छोड़बे के लिए आए तो तुम हमें का रास्ता में ही छोड़ के चली जाइयो। क्या मतलब कन्हैया बोले हम अकेले रास्ता ना जानते हैं भला हम अकेले घर कैसे पहुंच पाए जैसे तुम्हें हम छोड़बे के लिए आए वैसे ही तुम हमें छोड़बे के लिए चलो। सो राधा बोली तुम्हें छोड़बे के चले फिर बाहर से रात होते फिर उए से हम अकेले कैसे आए। कन्हैया बोले बाहर की चिंता ना करो बाहर से तुम्हें हम छोड़ जाए। तो राधा कान लगी जय नाटक रचे और रात भर श्याम मैं जब तक तुम्हें देख नहीं लेती हूं तब तक हमारे दिल में तसल्ली नहीं आती। एक काम करो कहीं आप हमें अपने दर्शन दे दिया करो जो हम तुम्हारे चेहरा को देख करके अपने दिल को तसल्ली बांध लिया करें। और ये वचन कहने के बाद राधा जो हतीम बेहुन से लौट के चली और कन्हैया ठाड़े के ठाड़े रह गए। राधा चली बरसाने श्याम सिसकी लेके बोए राधा चली बरसाने ए राधा चली बरसाने कन्हैया हिलकी भर के बोए राधा गई बरसाने।
हती बे तो लौट के अपने घर को चली गई और कन्हैया चुपचाप वहां से चले यशोदा मैया के आंगन में पहुंचे। भैया रात भर तो लेट के विश्राम करो है योगी राज कृष्ण ने, सवेरो जब भव है तो उनने काऊ से कछु ना कही, चुपचाप वहां से चले घर से निकल के बरसाने की तरफ बढ़े। सोचन लगे राधा के पास तो जरूर ही जाइए। घर में जब आगे को चले लेकिन बात दिमाग में जग गूंज गई कि आज राधा के घर ना चले, छोड़ो गाय दुहने के लिए राधा रोज अपने घर के में आओ करती है, जहां गाय बंधो करती वहां वहीं चले। घर के में गए और घर के में जाए के वहीं बैठ गए भाई, घर के में अंदर छुप गए। तब तक राधा गाय दोहबे के ना आए पाई ना है, ता से पहले ही घर के में चुपचाप शांति से बैठी गई जाए तोले। अरे सब सखिया बाजुरी आई, अरे मोहन की करी है बड़ाई और न चाल समझ कछुपाई, दोस्तों जितनी भी राधा की सखियां थी ललिता विशाखा शीला साधना और बसी सब जाए के बाई खरक के द्वार पे राधा को इंतजार करीबे के लिए बैठी गई और आपस में बातचीत करीबो शुरू हो गई। बातचीत का होने लगी, बातचीत कुछ और होने लगी, इतना होता कि ना कन्हैया की बारी एक बोली गुइया अबेल चाहे कछु भाओ लेकिन कन्हैया आज हमारे घर है तो जरूर ही जरूर रहे हैं, जरूर ही जरूर रहे हैं। दूसरी बोली चपेरा जाके घर में मो देखो कैसे करी गई, जाके घरे है आज हमारे घर है, ते घरे काए को है तो खुश हो के ललिता बोली सुन हमारे घरे काए को है हमारे घरे तासे आए जकाओ गुना मालूम कन्हैया भाई घर में सबक सुन रहे वे चुपचाप बैठे गए कौन नाम घुसे गए की बात का उन्हें जानी हो आपस में बातचीत करने लगी। सो ललिता बोली देखो हमारे घर तासे आई है संजा को जब आज हम परे हते ना सो ना है बिल्कुल रात बारे मैंने संध्या से भोर तलक और उन्हीं की रटन लगाई है, अत्यंत शुद्धता से रुचि के कोरी दोहनिया सजाई है, ललिता बोली संजा को जब हम पड़े और तब से सवेरे लो जब समझ लो कि हमने उन्हीं के नाय की माला जपी और उनके खाएबे के लिए बड़ी अच्छी सी मचुकिया में माखन जमाओ तासे हमारे घर है आज जरूर आए। लीला बोली चपेरा तुम तो बैनामा करवा लो ते घर में जिन कटी बात ना हमें तो बुखार सुवाई देखो जाके घर है आज हमारे घर है ते घर है काहे को है। तो सीला बोली सुन सीला बोली बहना हमने कर को खूब मनाओ है उन मन मो अलगे खाइबे को श्यामा को दूध जमाओ है हाँ।
होया है कि कन्हैया को खाएबे के लिए हमने बड़ो सुंदर सो माखन तैयार करो है। तो विशाखा बोली चपरा ते माखन खाने ते माखन खान थोड़े वही मैं घरे आई ते घरे काहे कोई। तो बोली सोने हमारे घरे काहे कोई कल संध्या को मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है उन मनमोहन को बुलाइबे को उन मनमोहन के बुलाइबे को हरे नाथ खबर बधाई है विशाखा बोली कल संध्या को मथुरा जी से ताजी आपस में सब बातचीत कर रही है कि कन्हैया को बुलाएबे के लिए हमने खबर भेजी है ता से हम आए घरे जरूर आए और जन है मालूम जाई में छुपे छुपे सब सुन रहे सो जो मत बरसाने की बहू जो रहे सो बहू कहूं ते आए के घूमे क्यों नहीं जहां बेटरियां भी बैठी ना सो वहीं आए के बहू बेचारी चुपचाप बैठी रही। तो एक बोली कारी तू तो कुछ कहती ही ना कान लगी कहा बताएंगे कल ले आए थे कल तुम देखे तो आते खूब ना देखे भाई सो कहा कैसे नहीं करते रहे तुम्हें खूब ना देखे भाई कान लगी बहना का बताए बहु हिवे के नाते से पर्दा के रूप में मोज आंखें आंगन में बैठ तोले बिन अब आ जाऊ लगाई द्वार पे हुई द्वार तब मैंने करके गई लेकिन सखी का बताए कि बाहर ने हुई गई चुनरिया जो हमारी चेहरा के ऊपर पड़ी थी कि बाहर ने हुई गई चुनरिया ना देख सकी बैर ने हुई गई चुंदरिया न देख सकी बैर ने हुई गई चुंदरिया 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 न देख सकी एक बोली मो जहां के ठीक आती तो कब तूने मो खोली ना है पाओ कान लगी बहना जैसे तैसे मैंने चुंदरिया हटाई जैसे तैसे चुंदरिया हटाई जलो जलो द्वार की लुढ़की गई केवरिया न देख सकी बैरन हुई गई चुंदरिया न देख सकी बैरन हुई गई चुंदरिया भज के द्वार मैंने खोलो जोले भज के द्वार मैंने खोलो जोलो जोलो कड़ी गए श्याम समरिया न देख सकी बैरन हुई गई सुंदरिया न देख सकी बैरन हुई गई सुंदरिया दूसरी बोली तो तूने बिल्कुल देख ही नहीं पाई कान लगी सखी देख तो लाए खूब ना देख पाई केवल पीठ लखी मैंने श्याम की केवल पीठ लखी पाई श्याम की मुख पे परी नजरिया न देख सकी बैरन हुई गई चुंदरिया न देख सकी बैरन हुई गई कहन लगी अरे चेहरा ना देख पाओ तो हम जगह घर तक तो कदम बढ़ाए लेती अंगेला बच के देख लेती तो कहा जानो तो सारा बच जा तू कहन लगी बहना भज के घेर लेती मैं श्याम को भज के घेर लेती मैं श्याम को जो होती न गांव की बहुरिया न देख सकी बैरन हुई गई सुंदरिया
सखियां जो हती वे ऐसे बातचीत आपस में कर रही हती, और तब तक जो है राधा गाय दुहबे के लाए बाई खरक को चली है। दूर से राधा को जब आत भव लड़कियन ने देखो है सो आपस में बातचीत करने लगी। बहना एक बोली योरी सखी राधा रानी आ रही, जो फिरा हरि की दीवानी आ रही। तो ललिता आगे बढ़ी और दूर जाए के हुई रास्ता में ही राधा को घेर लाओ। और ललिता पूछन लगी लली राधा जब तो दुनिया मालूम है कल न परो तुम्हारे उनके संग में फेरे हो जाए और हम सब नाच कूद के अलग हुए तू उनकी भी तेरे हो जाए तासे जब तो बता दो लली बे हैं कहाँ कौन से संदूक में बंद करके अल्लाह का नैया को। तो राधा बोली तुम तो बेमतलब की बातें कर रही। क्या मतलब? ललिता विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहाना है। विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं वो तो व्यापार कहाता है। अथवा तो विषय हमारा हिसाब तो दूसरा है ललिता। मैं ऐसा भाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, री अखियां नजरी अखियां मिली रहे। आत्मा शांति रहे अखियां से अखियां मिली रहे। राधा ने जवाब दो ललिता मेरा वो विचार नहीं है विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं होता है वो तो व्यापार हुआ करता है। और ललिता दूसरी बात यह है कि तुमने ये पूछा है कि कन्हैया हैं कहां तो बाको जवाब एक दूसरो है। भगवान हर समय भक्तों के बस में हुआ करते हैं ललिता। अब बताएं कि सुनो भगवान कहां होंगे कहां होंगे। तो राधा बोली कि कीर्तन जिनका होता होगा ओ होगी न कपट की चाल जहां। कपट की चल जहां नाचते मिलेंगे पूरी ललिता ये सुता नंदन गोपाल बहा। रखा होगा आराधन से और प्रेम परोसा थाल जा बहन मिलेंगे प्रेम बस यशोदा नंदन गोपाल बा। राधा ने जवाब दो ललिता ये तुमने पूछा कि भगवान कृष्ण कहाँ हैं तो भगवान भक्तों के बस में हुआ करते हैं। जहां उनका कीर्तन होता होगा कोई कपट की चाल नहीं होगी भगवान वहां होंगे। जहाँ भगवान के लिए प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा भगवान उस जगह मौजूद होंगे। और ये वचन कहने के बाद जितनी लड़कियां थी सबको वहीं छोड़ा और राधा खरक की तरफ बढ़ी। खरक में अंदर जाए के जब घुसी हैं तो
गाय दुहिबे के ने सोई भगवान श्याम सुंदर उठ के खड़े हुए गे। राधा की तरफ निहार के भगवान कन्हैया बोले, राधा मैं तो यही जानता था कि तुम कोई साधारण लड़की हो, आज पता चला तुम तो बुद्धि में बहुत आगे हो। और श्याम सुंदर मुस्कुरा करके बोले हैं, राधा तुमने ललिता के प्रश्नों का जवाब बहुत अच्छा दिया। ये वचन कहने के बाद जब भगवान हंसने लगे तो ध्यान रखना दोस्तों, राधा कितनी बड़ी भक्तिन थी, राधा के दिमाग में ये बात गूंज गई कि अब इन आंखों से श्याम के मुस्कराते हुए चेहरा को छोड़ करके मैं दूसरी वस्तु को नहीं निहारूंगी। तो कन्हैया के ये वचन सुनबे के बाद में राधा ने आंखें बंद कर ली और बाई खड़क में बेहोश होकर गिर पड़ी। वह तन का ओट की चित बन ही, तन का ओट की चित बन ही कर गई चोट सुको मारी पे, कर गई चोट सुको मारी पे। धारी लगन दुलारी पे, या धारी लगन दुलारी पे। हुई गई शिथिल सी सबई देह, जाके हाथ से दुहनिया छूट पड़ी। लूट गई लुटेरा निकल गया ये उलट पुलटगी, लूट भाई भैया उलट पुलटगी लूट भाई। राधा तो आंखें बंद करके और घर में बेहोश होके गिर पड़ी दोस्तों, और कन्हैया बांसे अंतर ध्यान भाई कुल देर होई गई। राधा जब घर में से नाए बाहर को आई तो सब बेटरियां भागी, और जो राधा को जमीन पे बेहोश पड़ो भाव देखो, एकदम से कीर्ति को खबर सुनाई। भाग करके माँ कीर्ति ने राधा को कलेजे से लगा लिया, बुरी तरह से रोने लगी, सोचने लगी ये क्या हुआ, थोड़ी देर पहले राधा बिल्कुल सही थी, सखियो कहा कर रही हो, कहू भगत को ढूंढ लाओ, कहू अच्छे से डॉक्टर को बुलाए के ले आओ, हमें जम आलम पर रही है कि राधा को कोई सांप खाए के चलोगे। ले राधा को गोद कीरति बिलख बिलख रही जाई रे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरे कोई संतान भी नहीं है राधा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीवित रहूंगी। राधा राधा ले बिटिया को गोद कीरति बिलख बिलख लाई जाई रे, ललिता विशाखा शीला सब सखियां आईयां समझाई रे। आई रे
राधा को गोद लेकर के जिस समय कीर्ति बुरी तरह से रोने लगी, कहने लगी मुझे मालूम पड़ता है कि हमारी राधा को कोई सर्प डस करके चला गया, तो ललिता बोली काय को परेशान हो, इसने खून पी है, सांप खा के चलो को ठीक हो जाए ब्याल, सब भज नहीं, कोई भगत तो लगी जाए, कोई डॉक्टर तो लगी जाए। सो डॉक्टर लोग हुआ है राधा के ढेगा, भगत हुआ है, भगत लोग जब उन घर का में पहुंचे, भीड़ भाड़ तो उन निरी इकट्ठी रहे, सो झारबे के लिए राधा को बैठी, भगत ले ले कर पानी लोटन में और झोंका नीम के डुबो करके आए काली काली कहने लगे सब उल्टे सीधे हो करके। ओम काली काली कहने लगे सब उलटे सीधे हो करके। राधा को ध्यान लगे, बुरी तरह से चिल्ला रहे सावधान काली सावधान काली। अब काली कोई होए तो सुने बतो, श्याम के रंग में मत बाली, हार के चुपचाप बैठ रहे, झारे बेसा कछु ना है भाव। डॉक्टर गए सो नबज पकड़ी, नबज टनाटन बोला, लेकिन राधा आंखें ना खोले। डॉक्टर सोचने लगे भगवान जब मर जाए ना समझ में आते, मैं इलाज काहे करे। नाड़ी टटोल के बेदराज जाए बैठे आज अनाड़ियन में, ये प्रेम बिरह का रोग भला होता है कहां नाड़ियन में। दोस्तों याद रखना, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, सूरज छिप जाए मेघ पाकर, चंद्रमा अमावस्या आने से, लेकिन ये प्रेमी नैन कभी छुप सकते नहीं छुपाने से। अब तो भगत भी दुखी हैं, डॉक्टर लोग भी दुखी हैं, लेकिन काऊ तरीका से राधा ने आंखें ना खोली। और जब राधा ने आंखें ना खोली, कीर्ति कान लगी सखियो, अब हम खूब जान गए इन भगतन सो इन डॉक्टर ने सो कोई आराम ना मिलेगा। काऊ दूसरे भगत को बुलाए के ले आओ, काऊ दूसरे डॉक्टर को अच्छे से वैद्य को दिखाएगा, जब राधा को ठीक करवाओ। सो ललिता बोली अब नेक नेक हमारी कच थोड़ी थोड़ी समझ में आते जाती है, काते ही समझ में आते। फिर वैसे ही कान लगी कि हाँ हमारे का समझ में आते। ललिता कहने लगी मैया समझ में जा आते है, जौन सुन्ना को राधा को खाए के गाओ है, और हम भाई नाग को पकड़ना है तो जरूर ठीक हो जाए। कीर्ति जवाब देने लगी कि पागल हो गई ललिता, बुन्ना को राधा को खाएबे के बाद में कऊ बिल में घुसी गो है, भला तो कहाँ मिल जाए। तो ललिता बोली मैया हम नाग को जाने बाकी, अम्मा कक्का को जाने बाकी, कुरिमा खानदान को जाने, घर परिवार को जाने, हम सब जानते हैं। तो बुलाए ला ललिता चली और जाए के यशोदा के नजदीक पहुंची। यशोदा मैया, यशोदा घर से निकल के बाहर आई, का बात है बिटिया जवाब दो। यशोदा मैया तुम्हारे घर में एक राधा नाम की जो लड़की आती थी, हाँ वो तो कल सवेरे ही आई थी, उन राधा को काऊ सांप ने खाए लो। कब? आज सुबह। फिर किसी को दिखाया नहीं? दिखाया तो था, डॉक्टर भी आए थे, भगत भी आए थे, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर यहाँ क्या करने आई? अरे जाओ, वो तो बहुत सुंदर लड़की है, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, राधा को ठीक करवाओ। कान लगी मैया सब दिखाए दिखाए के दुखी हो गए, लेकिन कोई बात दिमाग में नहीं आई। फिर
हिन मता से आए कि कन्हैया अगर पहुंच गए तो राधा जरूर ठीक हो जाए। जब खुली बाबरी बारो सु कन्हैया और भगत ही गत ही करीब भूखा जाने तासे लली ऐसो करो तुम जाओ काऊ दूसरे भगत को बुलाए के ले आओ। तो ललिता बोली मैया बारो जरूर है तुम ना जानती मैं कि बारो कान्हा गुण बारो है जा तू दोनों में न्यारो है रोई झारे तो चेन पर राधा कोंड सिगा पालो है। तुम्हें न मालूम है सौदा मैया बने गंगन के पीछे घूम घूम के बड़ी अच्छी अच्छी जड़ी बूटी सीख ली जाको मतलब जी है हाँ जरूर ठीक हो जाएंगी राधा इसलिए मैं यशोदा तुम भेज दो श्याम को। सोई कन्हैया को आवाज लगाई श्याम सुंदर बाव से आए और जवाब दो मैया आज हमारी आंखें में इतनो दर्द हो रहो है जब मालम पर रही है कि मारे दर्द के मारे हमारी आंखें आज नीचे कोई निकरी पर रही दर्द हो रहो। ललिता बोली लला कैसो दर्द हो रहो है। तो कन्हैया बोले ललिता कैसो दर्द बताएं तुम्हें दर्द ऐसो दर्द हो रहो है काऊ चीज का अगर हम ज्यादा देर तक गौर करके देखत रहे तो बामे से जम आलम पत्ते के दो तीर से निकलते हैं सुबह हमारी आंखें नगाहें को आते हैं और ज्यादा देर देखें तो जलगत नागिनियां सी लहराए रही हैं ऊपर को देखें तो जलगत बरसाऊ बादल हैं कहा बताए ललिता तुम तो खुद ही समझदार हो। ललिता बोली हाँ लला जब बीमारी बहुत बुरी है और कन्हैया जा को इलाज राधा बड़ी अच्छे तरीका से जानती राधा को जो बीमारी है बा को इलाज लला तुम्हारे ढंगा है तुम्हें जो बीमारी बा को इलाज राधा के ढंगा है चलो मरीज मरीज को इलाज करेगा तब आनंद आए। तो ले यशोदा बोली लला कन्हैया जब बताओ जब भगत ही गत ही के काम जे काम तुमने कब सीख ले। कन्हैया बोले मैया भगताई की बात अगर तो ये तो हम जानते हैं कैसे करिया नाग होए कितने कैसे किस्म को होए वो घाय के गो अगर राधा को हम पहुंच गए तो ये कई मंत्र हमें समझ लियो को जहर छुड़ मंत्र होएगो। ये सोदा बोली तो फिर इन का कर रहे जा राधा को ठीक करके आओ और बहुत जल्दी लौट के आओ। ललिता के संग ही संग जब कन्हैया कछु अंगेला को बड़े और घर कमे जब पहुंचे हुए ना तो ललिता एकदम से बोली हट जाओ अब सब लोग अलग हट जाओ अब हम भगत को बोला हट जाओ सब लोग। कन्हैया गए सो वही बैठ गए राधा के नजदीक नबज पकड़ी ठीक तो है वैसे ही सब लोग उदम दाए। अब मन ही मन में सोचने लगे कि हमने तो भगत ही गत ही करिए ना है कबू सुन जब पोल पट्टी खुल जाए भगत लोग बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़ता है हम मंत्र वंत्र ना जान तब कहीं तो कहीं का। ललिता बोली का सोच रहे कन्हैया बताओ कौ चीज की जरूरत हो सो बता जो चीज चाहिए सो मंगवाई जाए। अब यार सोचन लगे हमें अगर जाओ ना मालूम भगत में काय काय चीज की जरूरत पड़ते है कहा बताए। ललिता बोली बताओ बताओ खामोश कैसे रहेगा बताओ। सोचन लगे मन ही मन में काऊ चीज की जरूरत तो ना है काऊ चीज की जरूरत तो ना है काऊ चीज की जरूरत हाँ ऐसे करो थोड़ी नीम की लहरियां तोड़वाए झारबे के लिए और कुछ हाँ एक लोट पानी और भरवा लो पानी मंगवाओगो कछ और चाहिए। कन्हैया बोले और कुछ
और कुछ अब हाँ थोड़ा कपूर और मंगवा ले, बहु मंगवाओ कछु और। कहने लगे अब कछु ना चाहिए ललिता, अब कोई चीज नहीं चाहिए, अब बिल्कुल कोई चीज, अब कुछ अब हाँ थोड़े चावल और थोड़ी हल्दी और बाई में पिसवाए तो भाई थरिया में धरवाए ली। सोचने लगे जू सामान तो सब आएगा। अब बात जबात की है कि मंत्र कहाँ पढ़ेंगे, मंत्र तो हम जानते हो तो ना। खैर देखी पर राधा के पास बैठ के और एक नई चांद चली। कन्हैया बोले ललिता एक बहुत वैसी बात है, हमारा मंत्र जो है वो एकांतर में ज्यादा अच्छो काम का, तो हमारे मंत्र को जो लोग सुनते हैं वे बहरे हो जात, और जो मंत्र पढ़ता हमें देखत है सो आंखें से हीन हो जात। तो ललिता बोली देखो हम चाहे अंधे हो जाए चाहे कान फूट जाए चाहे कछु हो जाए हम नहीं करे कि ना जाई। सो राधा के पास हम बैठे गए और बे नीम की लहरियां जो राय सुबह हाथ में उनने पकड़ ली और मंत्र पढ़े भी किन तैयार भाई कौन सो मंत्र पढ़ो सुनो। काली काली दे दे ताली प्याली चढ़ाऊं तो ए पीला हरा उड़ दिया गठीला गांठू छिड़ में गोए काले ने खायो कालो इधारे में ना जाने तो उठ के बैठो विशियर मेरे काय को रहे तुम सोए। अरे अब कान में कह दई काय को रही है राधा सोए। जो मंत्र पढ़ो तो सब लोग तो बुरी तरह से हंसने लगे, लेकिन भगवान कन्हैया राधा के पास गए और राधा के कान में जाके बोले धीरस राधा। तो राधा ने झट आके खून नहीं हो जो उठ के बैठने को वही भगवान कल नीचे धरीरा काहे को खून की प्यासी है कहो कैसी हालत है शरीर में कहूं कोई परेशानी तो ना है। प्रभु ने पूछा क्या हालत है तो बिटिया बोली तुम ही जानो। कन्हैया बोले राधा कैसी हालत है। राधा कह लगी तुम ही जानो कैसी है। अरे शरीर में कोई परेशानी तो ना है, कोई दर्द वगैरह हो तो इसे बताओ। कह लगी तुम पहचानो दर्द हो रो कि ना हो रो। प्रभु ने पूछा क्या हालत है राधा बोली तुम ही जानो। हरि ने पूछी अब तरन का बिटिया बोली तुम पहचाना। हरि ने पूछा इसका मतलब राधा बोली खुद ही जाना। प्रभु ने पूछा असलियत का बिटिया बोली तुम पहचाना। कन्हैया पूछन लगे कैसी हालत है तो राधा बोली तुम ही जानो कैसी हालत। शरीर में कोई दर्द तो ना है, तुम पहचानो दर्द है या नहीं है? इसका मतलब तुम ही जानो का है। एक बात बताओ इतने नाटक काय करे तुमने, अगर हम इतने ढोंग पाले वो न जानते होते और न कछु करीब वो जानते होते तो। राधा बोली श्याम जब मैंने तुम्हारे मुस्कराते हुए चेहरा को देखा तो मन में ये विचार आया कि तुम्हारे अलावा अब हम किसी को नहीं देखेंगे, इसलिए हमने आंखें बंद कर ली थी। श्याम सुंदर कहने लगे राधा आज हम तुम्हारी प्रेम और भक्ति पर बड़े ही प्रसन्न हैं। हे राधा इसी बात के ऊपर हम तुम्हें एक वरदान दे रहे हैं, हम रहें चाहे चले जाएं लेकिन तुम्हारे मन से ये मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और राधा आत्मिक संबंध प्रेम मेरा ना तुम
से कभी है न्यारा। आत्मिक संबंध प्रेम मेरा न तुमसे कभी है न्यारा। जो पद है लक्ष्मी सीता का वही पद है देवी तुम्हारा। कन्हैया बोले राधा जो पद आज दिन तक लक्ष्मी जी और सीता जी का रहा है वही पद तुम्हारा है। दिल में मगन भय भगवान प्रेम दीवानी राधा को है दे डालो वरदान। अब तो धन्य धन्य राधा सी देवी नाम कमायो है। अब तो धन्य धन्य राधा दुनिया में नाम कमायो वरदान दिया था। राधे हम रहे चाहे चले जाएं लेकिन तुम्हारे मन से मोहनी मूरत कभी नहीं जाएगी। और ये वरदान देने के बाद में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण उस बरसाने से और वृंदावन के लिए चले आते हैं। बोलिए राधा कृष्ण की। बोला कृष्ण कन्हैया की जय बोला। बोला दाऊ जी के भैया की जय बोला। लीला हर की गाते हैं
तुम जाते भगो कहीं तनी जल्दी चल बे की काय लगा दी। राजपूत के सिट में आई रही नरी शंकर जी की साली।